स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस 10वें क्लास में। और इस 10वें क्लास में जो है हम एमएस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हैं। चलिए मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं। मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया। एमएस वर्ड ओपन कर लेने के बाद से जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कंटेंट वगैरह। जब कभी भी आप एमएस वर्ड पे कोई पिक्चर किसी कंटेंट में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने इज इक्वल टू रेंड और ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ पर जो है 20 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा और 20 पैराग्राफ जो है यहाँ पर आपके पेज पर आ जाता है। ठीक है, तो मैटर मैंने ले लिया, मुझे अब क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, तो इसमें जो है पिक्चर्स को लानी है। तो मैं चलता हूँ और उसके बाद पिक्चर लेकर के आता हूँ। मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाकर पिक्चर मैंने क्लिक कर दिया और कोई भी एक पिक्चर जो है मैं यहाँ से इंसर्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जब भी पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो आपका जो मैटर होता है, आप जरा ध्यान से देखें मैटर किस तरीके से, अगर आप पिक्चर छोटा भी करें तो मैटर ठीक से एडजस्ट नहीं है। मैटर एडजस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इधर साइड में इतना खाली हो जाता है, इस साइड में इतना खाली हो जाता है। ठीक है, तो मैटर जो है प्रॉपरली पिक्चर के चारों तरफ रैप हो जाए, चारों तरफ जो है एकदम कट करके और पिक्चर के चारों तरफ ठीक से एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब आप पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ साइड में आपको जो ऑप्शन दिखता है लेआउट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रैपिंग। आपको इस पर क्लिक कर लेने के बाद से आपको टेक्स्ट रैप पे, जैसे इन सब पे लेकर जाएंगे, इसका नाम, इसका स्क्वायर नाम है, इसका टाइट नाम है, इसका नाम है थ्रू। ठीक है, तो ये सब के सब ऑप्शन है। तो अगर मैं थ्रू पर पे भी क्लिक कर दूं THROUGH तो भी जो है मैटर देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा और आप जब तक वो करेंगे नहीं तब तक तो पहले तो मैटर चारों तरफ एडजस्ट नहीं होगा, प्लस पिक्चर भी नीचे तक खिसकेगी नहीं। मतलब अगर आप जो है पिक्चर को इंसर्ट कराएं, जैसे मैंने इंसर्ट कराया था, मैं अंडू करके आपको दिखा रहा हूं, अब इसको अगर मैं नीचे ले जाना चाहूं तो बहुत जो है आपको फोर्स करना पड़ेगा, बहुत फोर्स करके तब जाकर पिक्चर को आप नीचे ला पाएंगे, है ना। इजिली मूव नहीं होता है, तो इजिली मूव हो पिक्चर आपके मैटर में कहीं पर भी, नीचे ले जाना चाहते हैं तो नीचे मूव हो जाए, आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं लेफ्ट में मूव हो जाए, राइट में रखना चाहते हैं राइट मूव हो जाए। तो आपको इस लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां पर इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करना पड़ता है। मैं थ्रू पर क्लिक कर दिया और अब जो है आसानी से आप इसे मूव कर सकते हैं, जहां भी ले जाना वहां पर इसे आप ले जा सकते हैं। दिख रहा है आपको, आप ले जा सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब भी पिक्चर इंसर्ट करें तो ये सेटिंग्स जो है अपने आप जो है उसमें इनेबल हो जाए। ठीक है, मतलब आपको बार बार इनेबल ना करना पड़े। मतलब अब मैं जाके दूसरा पिक्चर यहां पर इंसर्ट करूंगा तो इसमें भी जो है मुझे वो सेटिंग्स जो करनी पड़ेगी, पिक्चर बड़ी दिख रही है। अब देखिए इसमें भी मैं क्लिक करूंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा, तब जाकर के मैटर एडजस्ट होगा और इसे कहीं भी मैं मूव कर सकता हूं, इजिली मूव कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है ये सेटिंग्स ऑटोमेटिक आपके ऑब्जेक्ट्स जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके शेप हो, आपके पिक्चर हो, आइकन है, तो इन सब में ऑटोमेटिक ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या होगा, चलना होगा वर्ड ऑप्शंस में, आप फाइल पर क्लिक करिए, नीचे दिया हुआ ऑप्शन ऑप्शंस पे क्लिक करिए और ऑप्शंस पे क्लिक कर लेने के बाद से जो है यहां पर आपको चलना होगा एडवांस पे, एडवांस पे चलिए और उसके बाद से आपको नीचे आना पड़ेगा। ये एडिटिंग ऑप्शन है, उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ कट कॉपी पेस्ट आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए कट कॉपी पेस्ट का दिख रहा है। ये पेन से रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, ये इमेज क्वालिटी से रिलेटेड आपको सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो पेन वाली सेटिंग है इसी में ऊपर आइए कट कॉपी पेस्ट में, और कट कॉपी पेस्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है इंसर्ट पेस्ट पिक्चर एज, मतलब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सेटिंग्स यहाँ पर दिया है इन लाइन विद टेक्स्ट, इस पर क्लिक करिए और आपको क्या कर लेना है, आपको ये थ्रू जो ऑप्शन दिया है THROUGH वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे, मैं एक आप पिक्चर इंसर्ट करके आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। मैं इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, अब पिक्चर जो है इंसर्ट हो चुका है, अब मैं इसे छोटा कर रहा हूं। छोटा कर लेने के बाद भी जो है देखिए एकदम मैटर पहले से एडजस्ट हो रहा है, प्लस इसे जो है आप मूव करना चाहते हैं तो आप आसानी से देखिए मूव भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी पिक्चर ऑब्जेक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे तो लेआउट जो है अपने आप जो है सेट हो चुका होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको कर लेने से जो है आपको हर पिक्चर को या हर ऑब्जेक्ट को जो आप मैटर में इंसर्ट कराएंगे तो बाद में जाकर के उसे आपको रैप करने की जरूरत नहीं है, लेआउट ऑप्शंस उसको थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको देख लिया, अब चलिए अब हम दूसरी जो है चीज को जानने चलते, दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हम देखेंगे। तो है क्या कि जैसे मान लीजिए मैं अभी पिक्चर जो लिया हूं उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब जैसे अभी आप क्या है ना कि एमएस वर्ड में जब आप चलते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में यहां पर लिंक में जो है बुकमार्क का एक ऑप्शन होता है, वो क्या करता है कि वर्ड को लोकेशन वाइज जो है मार्क कर लेता है, वो लोकेशन वाइज मार्क कर लेता है। जब आप इंसर्ट में आएंगे और बुकमार्क के बारे में जब आप समझेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी। बुकमार्क करने का तरीका यह है कि आप किसी भी शब्द को जो है
सेलेक्ट करके उसे कॉपी करिए। मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं लिंक में गया और बुकमार्क में जाकर के यहां पर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, इसे ऐड कर दिया। ये शब्द बुकमार्क हो चुका है लेकिन यहां डॉक्यूमेंट में कहीं दिखता नहीं है कि बुकमार्क हुआ है। ठीक है, कोई और भी वर्ड अगर आप लेना चाहते हैं, मैं गया और मैंने इस वर्ड को जो है यहां पर एलिमेंट है, इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद से कंट्रोल सी से या फिर यहां पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। यहां लिंक में जाकर के बुकमार्क पे मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया और ऐड कर दिया। दो वर्ड जो है बुकमार्क हो चुके हैं। अब बाद में भी जाकर के देखेंगे बुकमार्क पे तो देखिए दो वर्ड आपको प्रोफेशनली और एलिमेंट दो वर्ड आपको जो है बुकमार्क हो चुके हैं। तो आप जितने भी वर्ड्स को आप बुकमार्क कर लें लेकिन पेज पे पता नहीं चलता है कि ये वर्ड्स बुकमार्क हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा बुकमार्क का क्या यूज है, क्यों लोग इसको बुकमार्क करते हैं, सब चीजें आगे का विषय है जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे। तो अब मैं चलू एक और वर्ड जो है वीडियो को यहां पर मैंने कॉपी किया है, इसको मैं सेलेक्ट करके और जो है मैं इसको यहां पर कंट्रोल वी से मैंने यहां पर दे दिया, ऐड कर दिया। तीन वर्ड मैंने बुकमार्क कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि बुकमार्क किए गए जो शब्द हैं वो आपको पेज पर दिखाई दे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट एफ टी प्रेस करिए या वर्ड ऑप्शन में आपको चलना है। वर्ड ऑप्शन में आ गए, एडवांस में आइए और एडवांस में जब आप नीचे आएंगे, नीचे इधर आप आइए, नीचे आने के बाद से जो है यहां पर ऑप्शन आपको मैं अभी आपको लेकर के थोड़ी देर पहले आया था, कहां पर आया था तो इसी में कट कॉपी पेस्ट में मैं यहीं पर लेकर आया था, इंसर्ट पेस्ट पिक्चर आया था। ठीक है, तो उसी के ठीक नीचे आपको बढ़ना है और जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन में जो है आपको क्या दिखेगा, आप यहां पर आइए, ये देखिए इस ऑप्शन में आपको क्या दिख जाता है कि जो बुकमार्क होते हैं उसे आप शो करा सकते हैं। यहां लिखा हुआ है शो बुकमार्क्स, इस पर जैसे ही आप चेक कर देंगे और ओके कर लेंगे तो आपने जहां भी बुकमार्क दिया होगा, आप देखिए इस तरीके से एक ब्रैकेट बन जाता है कि आपने जो है वीडियो शब्द को बुकमार्क किया है, प्रोफेशनली वर्ड को जो है आपने बुकमार्क किया है, एलिमेंट्स को यहां पर बुकमार्क किया, तो इस तरीके से जो है ब्रैकेट बन जाता है और आपको पता भी चलेगा। ठीक है, तो आप उस सेटिंग्स को जो है जरूरत होने पर उसे आप ऑन कर सकते हैं, उसे ऑफ कर सकते हैं, आपने इसे देख लिया। अगर आप पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ बाउंड्रीज चाहते हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं हर एक पैराग्राफ के चारों तरफ बाउंड्री चाहते हैं तो भी जो है आप वर्ड ऑप्शन में चलिए, अल्ट एफ और टी, अल्ट एफ और टी और एडवांस में आइए, नीचे आइए और मैं जहां कर ना गया था यानी कि अभी मैं यहीं पर था बुकमार्क, उसके ठीक नीचे जो दिया है शो टेक्स्ट बाउंड्री, इस ऑप्शन को आप चेक कर दीजिए, ये ऑन हो चुका है, ओके करिए। अब आप जब भी कोई नया पैराग्राफ लेंगे उस पैराग्राफ के चारों तरफ आप देख लें इस तरह की बाउंड्रीज, इस तरह के बॉर्डर आपको दिखाई देंगे। आप देख लीजिए पैराग्राफ के चारों तरफ जो है आपको एक एक पैराग्राफ के चारों तरफ आपको इस तरह से बाउंड्रीज दिखेंगे। तो ये आपने इसमें समझ लिया। अब मैं एमएस वर्ड को बंद करता हूं और मैं एमएस वर्ड को ओपन करूंगा। मैं एमएस वर्ड को यहां पर क्लोज कर दिया और एक ब्लैंक एमएस वर्ड पेज को मैं ओपन कर लेता हूं। मैंने एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये बाउंड्रीज दिख रही है। ठीक है, कोई भी अगर मैटर नहीं रहा है तो कम से कम एक बाउंड्रीज दिखेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो वापस वहीं जाइए, अल्ट एफ टी और आप एडवांस में जाइए, ए प्रेस कर देंगे तो भी आप एडवांस में आ जाते हैं, ए प्रेस कर देने से एडवांस में आ जाएंगे। नीचे जाइए और शो डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट जो है इसी में आपको क्या करना है, यहां पर जो शो टेक्स्ट बाउंड्रीज है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद ओके कर देना है, बाउंड्री हट गई। अब हम अगली चीज को देखने वाले हैं। जब भी आप एमएस वर्ड पेज को ओपन करेंगे, जैसे अभी मैंने ओपन किया तो आप देखिए चारों तरफ जो इस तरह के जो है कॉर्नर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का जो है 90 डिग्री का एक आपको यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है और वो हर पेज पे दिखेगा, दिख रहा है आपको, इसको हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो पेज का जो एक्टिव एरिया होता है जिसमें आप लिख सकते हैं वो एरिया यहां पर इस आइकन के द्वारा, इस क्रॉप आइकन के द्वारा दिखाई देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेज पर ये जो आइकन दिख रहा है इस कोने, चारों कोने पर आपको पेज के आपको ये आइकन दिखेगा, इसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, तो बस फिर से आपको वहीं चलना है, आपको जो है अल्ट एफ और टी प्रेस कर देनी है और उसके बाद एडवांस में आना है। यहां पर एडवांस में आ गया और एडवांस में आने के बाद से क्या करना, नीचे चलना है और आपको यहां पर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में जो है यहां एक ऑप्शन दिया है शो क्रॉप मार्क्स, ये अनचेक रखिएगा, इसे आप यहां पर टिक नहीं रहना चाहिए, यहां पर अनटिक कर दीजिए, बस आप क्लिक करिए यहां पर अनचेक हो जाएगा और उसके बाद ओके करिए और वो जो मार्क आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा था वो मार्क्स आपका नहीं दिखेगा, वो हट जाएगा। अगली चीज जो हम समझने वाले हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है जैसे इज इक्वल टू आर ए एन डी, मैंने इस प्रॉब्लम को अक्सर जो है देखा है, वो होता है जब आप लैब में आएंगे या अपने सिस्टम पर जो है आप कोई मैटर लिखें, जैसे मैं यहां पर रैंडम कमांड से मैटर इंसर्ट कर दे रहा हूं 10 पैराग्राफ, और मैटर लिखने के बाद से जब आप इसमें हाइपर लिंक वगैरह इंसर्ट करते हैं, जब आप हाइपर लिंक किसी शब्द पे इंसर्ट करते हैं या किसी शब्द पे लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोवाइड शब्द है, मैं इस पर लिंक इंसर्ट कर रहा हूं, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया
और उसके बाद लिंक इंसर्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के, तो मैंने कंट्रोल प्लस के यहां पर प्रेस कर दिया। कंट्रोल प्लस के प्रेस कर देने पर आपके सामने ये विंडो खुलता है, इसका नाम है इंसर्ट हाइपरलिंक। आपको इस प्रोवाइड शब्द पर क्लिक करने से क्या खुले उसी का लिंक देना है, और वो लिंक जो है चाहे तो आप जो है वेबसाइट का दे सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह में कोई अगर फाइल फोल्डर इमेज म्यूजिक वीडियो वगैरह का आप लिंक देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे सकते हैं। तो मैं वेबसाइट का देना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो है ये एड्रेस जो दिया हुआ है यहां पर मैं वेबसाइट लिख दे रहा हूं वेदांशी का, https://vedanshri.net, ये मैंने लिंक दे दिया, ठीक है, और ओके करिए। जैसे आप लिंक दे लेते हैं तो इस तरीके से जो है पूरी सी कोडिंग दिखने लगती है, ठीक है। आप इसको हाइड करेंगे, हाइड भी नहीं होता है। कोई और शब्द पे हम लिंक दे देते हैं, जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ के अंत में एक शब्द है डॉक्यूमेंट, इस पर मैं लिंक दे देता हूं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के प्रेस कर दिया, कंट्रोल के प्रेस कर देने से भी हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। प्लस आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ जो लिंक दिया है इसमें भी जाकर के अगर आप लिंक पे क्लिक कर देंगे तो भी हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, ऑफलाइन कोई लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रायंगल इस पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे चलता हूं मैं, ये रहा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं किसी फाइल से लिंक दे दे रहा हूँ। मैं लिंक दे दे रहा हूँ जो है ये, इसमें मैं सेव में चलता हूँ, मैं लिंक इसका दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ कोई फाइल है, मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखें उसका जो है पूरा पूरा यहाँ पर कोडिंग दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ लिंक चाहिए था और यहाँ पर पूरा कोडिंग दिखने लगता है। तो अक्सर इस तरीके से होता है, जैसे आप लिंक वगैरह देने लगेंगे लगेगा कोडिंग पूरा दिखने, ठीक है, तो मैटर भी अजीब हो जाता है उसमें जो है। तो आप इसको कैसे हाइड करेंगे, आपको कोडिंग ना दिखे सिर्फ लिंक ही दिखे, इस तरीके से पूरा उसका डायरेक्टरी उसका पाथ ना दिखाई देने लगे पूरी जो है, वो कैसे हटाएंगे, तो ये चीज आप समझ लीजिए। आपको चलना है वर्ड ऑप्शन में, वर्ड ऑप्शन में चलने के लिए जो है Alt F T प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, या फिर आप मैनुअली फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ नीचे सबसे ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपके सामने वर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एडवांस में चलने के लिए जो है आप A प्रेस कर दीजिए, एडवांस में आ गए। अब आप नीचे आइए और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिया रहता है शो डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट, शो डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको वो इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा जिसकी आपको जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर दिया हुआ है सो फील्ड्स कोड इंस्टीड ऑफ देयर वैल्यूज, यहां दिया हुआ है सो फील्ड्स कोड इंस्टीड ऑफ देयर वैल्यूज, मतलब इस कोड को दिखाए वैल्यूज को ना दिखाए। तो हम क्या करते हैं यहां पर इसको अनटिक कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं क्लिक करके, और इसको हम ओके करेंगे। अब जब आप आएंगे तो आप देखिए पेज पर जो प्रोवाइड शब्द है ये इस पे बस दिख रहा है कि हाँ लिंक बना हुआ है, ये नहीं कि पूरा कोडिंग दिख रहे हैं यहां पर। अब आप चाहें तो इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और क्लिक कैसे करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल बटन प्रेस कर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का लिंक दिया था मैंने आपको थोड़ी देर में, देखिए वेबसाइट यहां पर वेदांशी का मैंने वेबसाइट दिया था, यहां पर जो है vedanshri.net ओपन हो गया। उसी तरीके से इस वाले डॉक्यूमेंट वाले वर्ड पे हमने जो है किसी पीडीएफ फाइल का दिया था, तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पर क्लिक कर दीजिए और यस करिए, यहाँ ओके करिए, और वो पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इन तमाम सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई प्रश्न है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मुलाकात होगी आपसे अगले 11वें क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।